अच्छा राजवंश, एक बात आप लगातार कहते थे चुनाव से पहले और बाद में भी, आपने नसीहत भी दी कि एसी से बाहर अखिलेश यादव निकलते नहीं, मेहनत करते नहीं तो कहां से जीतेंगे। बेईमानी की बात है, जिससे भी गठबंधन होता है बाद में गठबंधन टूट जाता है उनका, तो बेईमानी की जो बात है ये आप किसके लिए कहना चाहेंगे? अच्छा ये बताइए, कांग्रेस के साथ गठबंधन की, कांग्रेस खराब पार्टी थी, बसपा से गठबंधन किए, बसपा खराब पार्टी थी, हमसे गठबंधन किए, हम खराब पार्टी हैं, तो अब चुनाव आयोग खराब है, ये वो बोल रहे हैं कि केस अपनी अपनी कमजोरी को वो स्वीकार करें, दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से बढ़िया अपनी पार्टी का संगठन और सूझबूझ से अपनी पार्टी के नेताओं की राय मशविरा लें, उनसे मिले जुले, लेकिन हमारी राय वो नहीं मानेंगे ना, क्योंकि वो कहेंगे कि हमको कोई सलाह न दे, बयान भी आया था उनका, तो हमारा तो उनको सुझाव यही है कि मान जाओ, चुनाव आयोग के ऊपर उंगली मत उठाओ, तो अपने गिरीबान में झांक के देखो कि आपने गलत टिकट बंटवारा बड़े पैमाने पर किया है, चाहे वो आपके नवरत्नों ने किया हो चाहे आपने किया है, जिसका खामियाजा आपको मिला है। जनता तो आपको थाली लेके मुख्यमंत्री बना के आरती उतारने के लिए तैयार थी, लेकिन आप और आपके नवरत्नों ने मिल करके टिकट का ऐसा बंटवारा किया जहां जीतने वाले को हारने वाला। अब दूसरा प्रमाण चुनाव आयोग का कहें दोष दे रहे हो भैया, आप 5 साल एमएलसी रहे, मुख्यमंत्री थे, एमएलसी के बदौलत सदन के नेता बने, एमएलसी बन के ना पर्चा भरे थे ना, उम्र 30 साल होती है और आप 28 साल वाले को पर्चा भरा प्रस्तावक पहले नंबर पर, आपको दोष चुनाव आयोग का है, पर्चा खारिज किसने कराया, जानबूझ करके बीजेपी का समर्थन किया है कि बीजेपी का हमारा बैकडोर से समर्थन का पर्चा खारिज, बीजेपी का समर्थन, अब कहिए कि चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया, तो ये जैसा जनता सब जानती है। तो आपकी नजर में बेईमान कौन, चुनाव आयोग या अखिलेश यादव? न चुनाव आयोग बेईमान है, न अखिलेश यादव बेईमान है, लोग महापुरुषों ने कहा है